जनाबे चेयरमैन, थोड़ी सी अगर ऑर्डर हाउस में करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल था कि 2013 से लेकर 2018 तक बलूचिस्तान के तुलबा, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर नहीं है सर कोई। तुलबा व तालिबात में कुल कितने लैपटॉप तकसीम किए गए जी? इस पर कुल कितनी रकम खर्च की गई और ये लैपटॉप किस कंपनी से हासिल की गई? इनका रेट क्या है? आप देख रहे होंगे जनाबे वाला, 2013 से 2018 तक 500 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए के कंप्यूटर खरीदे गए, लैपटॉप खरीदे गए टेंडर एक कंपनी को। अजान शुरू होगी। अहम सवाल इसलिए कि ताकि वजीर मौसूफ मुझे ये बताएंगे कि ये 500 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए के करीब ये कंप्यूटर एक कंपनी मैसर्स अल्ट्रासॉफ्ट क्वेटा को दिए गए ठेके पे उन्होंने खरीदे, और बाद में जो तकसीम का तरीकाकार उन्होंने बताया है मुझे भी समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं तमाम लैपटॉप जिनकी तादाद 8037 यानी 8000 लैपटॉप खरीदे गए, इनमें से 120 लैपटॉप जर्नलिस्ट के लिए वजीर आला सेक्रेटरीट और बकाया हेडक्वार्टर सदरन कमांड के हवाले किए, और आखिर में खुद मौसूफ लिखते हैं दर्ज बाला अकाई की रोशनी में मोकमा कॉलेजेस तकसीम के हवाले से मुनक्कदा तकरीबात पर अखराजात और दीगर के बारे में ला इल्म है। यानी तकसीम के अमल में 50 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ है अखराजात, उससे मोकमा ला इल्म है वो पैसे कहाँ से खर्च हुए। दूसरी बात यह कि 8000 में से 120 का तो पता है वो साफियों को मिले, बाकी एक कंप्यूटर का लैपटॉप का भी यहाँ तफसील नहीं है कि 8037 में से 120 को निकालें, 7900 के करीब लैपटॉप वो कहाँ गए, उनकी तफसील किधर है, क्या आप उसकी तमाम तर तफसील इस हाउस में पेश करेंगे? तीसरी बात देखिए मैं जी, हम ऑर्डर हाउस ठीक है, क्या वो तमाम तफसील, और ये क्यों हुकूमत बलोचिस्तान या मुकम तालीम में इतनी सिकत नहीं थी, इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है या उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि अपने लैपटॉप की तस्दीक करने के लिए जवाब देंगे? क्वेश्चन के हवाले से पहले जो लैपटॉप ये चीज़ें खरीदे गए थी कॉलेजेस की तरफ से, इस साल जो ये जो तकरीबन 24 करोड़ के करीब जो रकम मुख्तस की है सानवी तालीम ने, और अभी ये टेंडर हुए हैं, और मेरे ख्याल मैं उसका तफसील बताऊँगा कि कौन से जो टेंडर यहाँ पर ले लिया है, और तकरीबन 3100 के करीब लैपटॉप इंशाल्लाह ताला जल्द आ जाएंगे। मैं सरदार आप छोड़ देते, मैं जवाब जी मुश्किल जी कोई और से? जी नहीं मैं जी जवाब दे दिया आपने सर, मैं आप छोड़ दीजिए तो आप, मैंने कहा अब सर ऑर्डर इन द हाउस, और मिनिस्टर साहब का माइक जी, मिनिस्टर साहब एडवाइजर फॉर एजुकेशन जनाब चेयरमैन साहब, जनाब ज़िमनी सवाल नहीं, आप ज़िमनी सवाल पूछना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप छोड़ दे मैं जवाब दे दूं। सुने तो 2013 से 2018 तक तो मुकमा उनके पास था सरदार केतरान साहब, उनको जवाब देने दें, मैं जवाब दे दूं ना, आपस आपस में लड़ रहे हैं भाई, आप जवाब दे सरदार साहब, आप जवाब छोड़ दे जनाब चेयरमैन साहब, जनाब चेयरमैन साहब जी सही, जनाब चेयरमैन साहब 2013 से लेकर 2018 का तफसील मांग रहा है, तो उस वक्त में ये पोर्टफोलियो उनके पास था। मैं एक बात मैं सुने जवाब नहीं किया, उन्होंने नहीं किया है, हम हुकूमत में नहीं थे, मुझे जो मुझसे जमीनी सवाल कर रहा है मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, वो अभी उठ रहा है इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ। अभी इस साल के हवाले से सना भाई अगर आप क्वेश्चन करेंगे मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको।